अस्पतालों में ओवरचार्जिंग की शिकायत तो आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उससे यही लगता है कि अस्पतालों को मरीजों की जान की कोई फिक्र नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे 7 प्राइवेट और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स पर केस दर्ज किया है जो कि एक बार इस्तेमाल होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस का बार बार इस्तेमाल करते थे और तो और हर बार मरीजों से इक्विपमेंट का फुल चार्ज भी वसूलते थे। इन अस्पतालों की लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र में 7 फ्रॉड अस्पतालों पर केस दर्ज। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड, हीरानंदानी फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी, प्लैटिनम हॉस्पिटल मुलुंड, बीएसईएस हॉस्पिटल अंधेरी, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे, वॉकहार्ट हार्ट हॉस्पिटल नागपुर, कमल नयन बजाज हॉस्पिटल औरंगाबाद। ये देश के वो जाने माने अस्पताल हैं जहां मरीज बड़े भरोसे के साथ जाते हैं, जहां इलाज के लिए मोटे मोटे बिल भरने पड़ते हैं, लेकिन इन अस्पतालों के भीतर जो कुछ हो रहा था उसे सुनकर आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। मामला इतना संगीन है कि महाराष्ट्र सरकार ने 7 अस्पतालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि जिस मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करके फेंक देना चाहिए उसका बार बार इस्तेमाल हो रहा था। ये अस्पताल कैथेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मरीजों पर करते थे। कैथेटर को स्टरलाइज करके दूसरे मरीज को लगा दिया जाता। इतना ही नहीं, नए मरीज से दोबारा पूरी रकम भी वसूली जाती। बैलून कैथेटर जो कि 6 से 9 हजार रुपए में खरीदे जाते, मरीजों को वो 20 से 22 हजार में दिए जाते। ये बात जानते हुए भी कि कैथेटर के लेबल पर ही लिखा होता है कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें। कैथेटर का इस्तेमाल कई तरह से होता है। इन्हें शरीर के अंदर लगाकर कई तरह की बीमारियों का इलाज और सर्जरी की जाती है। पिछले साल अप्रैल में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने इस बात का खुलासा किया था। इस केस पर मार्च से मई 2017 के बीच 8 अस्पतालों में कैथेटर्स के इस्तेमाल पर जांच हुई। अक्टूबर से दिसंबर 2017 में 7 अस्पतालों के खिलाफ FDA ने केस दर्ज कराया। अब कोर्ट की ओर से अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। खुद राज्य सरकार के FDA मिनिस्टर ने विधान परिषद में पूरे मामले की जानकारी दी। हॉस्पिटल में बलून कैथेटर व गाइडिंग कैथेटर एक्चुअली हे फक्त स्टरलाइज करू वापरत होते। 7 अस्पतालों में बैलून और गाइडिंग कैथेटर को स्टरलाइज कर इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था, जबकि नियम के मुताबिक इसे रीयूज नहीं किया जाना चाहिए। इन 7 अस्पतालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की अदालत में सुनवाई होनी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 18C के तहत FDA के पास इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कराने के अधिकार हैं। ये अस्पतालों की लालच की इंतहा है। ये मरीजों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ है। अब तक तो अस्पतालों की लूट की खबरें आती थी, लेकिन यहाँ तो लूट भी हो रही थी और जानलेवा धोखाधड़ी भी। देखना है कि ऐसे लालची और भ्रष्ट अस्पतालों का क्या इलाज किया जाता है। महाराष्ट्र के 7 अस्पतालों में बिल के मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर एक ही कैथेटर्स का दोबारा इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। अस्पताल जहां दिल के मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं एक ही कैथेटर्स के लिए पैसे बार बार वसूल रहे हैं। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।